काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी जिला अदालत के फैसले से नाराज असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले की वैधता पर संदेह जताया। ओवैसी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को इस आदेश पर तुरंत अपील करके इस पर सुधार करवाना चाहिए। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI पर भी आरोप लगाया और कहा कि वो हिंदुत्व के हर प्रकार के झूठ के लिए दाई की तरह काम कर रही है। उन्होंने बाबरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। ओवैसी ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी सरकारी एजेंसी जहां तक है धोखाधड़ी करेगी और इतिहास दोहराया जाएगा जैसा बाबरी मामले में हुआ था। ओवैसी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को मस्जिद की प्रकृति बदलने का कोई अधिकार नहीं है। ओवैसी ने ट्वीट किया और कहा, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को गले लगा लिया गया है और ये लोग भारत को 1980-90 के हिंसा के समय में वापस ले जाने के लिए यही नहीं रुकेंगे और काल्पनिक इतिहास पर लगातार कलह करेंगे। ओवैसी ने पीएम मोदी से कहा कि उन्हें धार्मिक स्थलों के धर्मांतरण निषेध कानून 1991 को लागू करने की आवश्यकता है। अपने ट्वीट में ओवैसी ने पीएम से कहा कि उन्हें हस्तक्षेप करने की हिम्मत करनी चाहिए। जब हमने बाबरी के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की तो कई लोगों ने हमें बात बंद करने को कहा। अब तुम सब कहाँ हो? इसके पहले वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ज्ञानव्यापी परिसर में ASI को सर्वेक्षण करने की मंजूरी दी है। कोर्ट ने कहा कि सर्वेक्षण का सारा खर्च सरकार करेगी। कोर्ट ने ASI को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि मस्जिद को कोई नुकसान न हो। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की कोर्ट ने विवादित ज्ञानव्यापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद अयोध्या की तरह अब ज्ञानव्यापी मस्जिद की भी खुदाई कर ASI मंदिर पक्ष के दावे की प्रामाणिकता को परखेगी। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू आदि विशेषवर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर सरकार को पत्र के जरिए इस मामले में पुरातात्विक विभाग की 5 सदस्यीय टीम बनाकर पूरे परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पुरातात्विक सर्वेक्षण के बाद ये साफ हो जाएगा कि विवादित स्थल कोई मस्जिद नहीं बल्कि आदि विशेश्वर महादेव का मंदिर है। ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 अप्रैल को बहस पूरी हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया था। कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी, सुनील रस्तोगी, राजेंद्र पांडे ने पक्ष रखते हुए कहा था कि पुरातात्विक साक्ष्य के लिए ऐसा करना न्यायोचित है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकीलों ने विवादित ढांचे के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। मस्जिद पक्ष की दलीलों को दरकिनार कर कोर्ट ने इस मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश दे दिए हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड और मस्जिद इंतजामिया अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।